हेलो एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी, मैं श्याम कंसारी टीम लार्सन ग्लोबल इंडिया की ओर से आप सभी का वंस अगेन स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों मेरे हाथ पे ये मार्कर, पीछे में ये बोर्ड देखकर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि हम कुछ लिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं बहुत कुछ लिखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न यूसाना इंडिया कंपेंसेशन प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यूसाना इंडिया का कंपेंसेशन प्लान को पूरी तरह से स्टडी करने वाले हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, यूसाना इंडिया के साथ करियर बनाना चाहते हैं, तो आइए समझते हैं इस कंपेंसेशन को। एंड वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं ना, आई मस्ट से कि यूसाना इंडिया कंपेंसेशन प्लान रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगी। सो एज यू ऑल नोस, यूसाना इज द टॉप 15 बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। तो हम लोग प्रोफाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज, प्योरली हम लोग कंपेंसेशन के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपको यूसाना इंडिया रिलेटेड प्लस आवर टीम रिलेटेड भी आपको बहुत सारे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर मैं यूसाना इंडिया कंपेंसेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स बनाया गया है और उस पैरामीटर के माध्यम से आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज नोन एज प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर की अगर मैं बात करूं, सो दे कैन परचेज द प्रोडक्ट विद प्रीफर्ड अमाउंट, यानी कि 10% डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स उनको मिल जाते हैं। डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ KYC, कुछ भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। दे कैन टेक द बेनिफिट डायरेक्टली व्हेन दे विल प्लेस द ऑर्डर। उसके बाद दोस्तों अनदर पैरामीटर इज नोन एज एफिलेट। एफिलेट की अगर मैं बात करूं, पीपल कैन स्टार्ट देयर जर्नी विथ यूसाना एज ए एफिलेट ऑल्सो। एफिलेट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको KYC मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर आपको कंपनी ना अर्निंग्स भी देती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट्स में इनकम आती है। तो KYC के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी एड्रेस डॉक्यूमेंट, चाहे वो पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड डिटेल्स हो सकता जरूरी मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपको बैंक डिटेल्स भी अपलोड करना पड़ता है एफिलेट बनने के लिए। तो यहाँ पर कोई आईडी वगैरह एक्टिवेशन, फर्स्ट परचेस, रीपरचेस, सेल्फ परचेस, कोई चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। आप एफिलेट जैसे ही बन जाते हो यूसाना इंडिया में, आप यहां पर 2 डिफरेंट सेगमेंट से अर्न कर सकते हैं। पहला सेगमेंट की मैं बात करूं, यू कैन अर्न थ्रू द प्रीफर्ड कस्टमर्स। दूसरा आप अर्न कर सकते हैं फ्रॉम अनदर एफिलेट। सो दोस्तों देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते हो एंड इफ यू हैव सोशल नेटवर्क, आपके पास कनेक्शन है, आप एक योगा ट्रेनर हो या जिम ट्रेनर हो, आप कोई कम्युनिटी को लीड कर रहे हो, आपके पास अगर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आई मस्ट से दिस एफिलेट मॉडल्स इज फॉर यू पीपल्स। आप एफिलेट बन के आप प्रीफर्ड कस्टमर से अर्न कर सकते हो एंड एफिलेट से अर्न कर सकते हो। कैसे, चलिए आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रीफर्ड कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ पर परचेस करते हैं हमारे पोर्टल पर, तो 10% तो उनको डिस्काउंट मिल जाती है। लेट अस सपोज प्रीफर्ड कस्टमर ने 15,000 के ऑर्डर प्लेस किए, सो इन दैट पर्टिकुलर केस में जो एफिलेट होते हैं वो प्रीफर्ड कस्टमर से 20% बेनिफिट्स पाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर द वन हु इंट्रोड्यूस दिस प्रीफर्ड कस्टमर टू यूसाना इंडिया। ये वही लोग होते हैं जो इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट इज द ओनली रीजन डायरेक्टली 20% वो अर्न कर जाता है। तो 20% किस तरह से अर्न करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता, 15,000 का परचेस हो जाता है, तो यहाँ पर लगभग 3,000 की अर्निंग आपकी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ, एफिलेट अर्न कर सकता है अनदर एफिलेट से भी, तो एफिलेट सेम प्रीफर कस्टमर मॉडल से काम अर्न कर सकता है, अदर एफिलेट से भी अर्न कर सकता है। तो जो एफिलेट अदर एफिलेट को इंट्रोड्यूस करता है इन दिस बिजनेस पे, उसका अर्निंग का 10% ये ऑन करता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, लेट अस सपोज 10,000 एक एफिलेट ने दूसरे एफिलेट को इंट्रोड्यूस किया एंड 10,000 उसकी अर्निंग है, सो फ्रॉम दिस 10,000 इसकी अगर 10% की बात करूँ तो 1,000 रुपीज़ हो जाती है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, यू कैन अर्न, एफिलेट कैन अर्न 20% डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीफर्ड कस्टमर एंड 10% फ्रॉम द अनदर एफिलेट।
तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है अमाउंट की, अब जितना मर्जी उतना यहाँ पर अर्न कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन। सो मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स की बात कर लिया, एक हो गया प्रीफर्ड कस्टमर, दूसरा हो गया एफिलेट मॉडल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसके लिए मुझे पता है आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे लोग तो वीडियो को फॉरवर्ड करके इस पर्टिकुलर पॉइंट में डायरेक्टली पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पैरामीटर, स्पेशली आप और हम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के लिए जो बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट, या फिर आप उसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हो। ये एसोसिएट की अगर मैं बात करूं तो एसोसिएट आईडी आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, कोई कॉस्टिंग नहीं लगती है, एंड यहां पर भी आपको केवाईसी मैंडेटरी है। प्लस अगर आप अपने एसोसिएट आईडी को 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स जब टॉप अप करते हो या फिर परचेस करते हैं, तो आप एसोसिएट आईडी में अर्न करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक एसोसिएट क्या क्या चीजें अर्न कर सकता है, चलिए आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एसोसिएट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पहले तो ये अर्न कर सकता है प्रीफर्ड कस्टमर से। प्रीफर्ड कस्टमर अगर कोई एसोसिएट इस बिजनेस पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो प्रोडक्ट लेते हैं बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, तो उनके जो परचेसिंग होता है ना, वहां से उनको 10% की स्पॉट मार्जिन मिल जाती है। मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अमाउंट अगर मान लीजिए, लेट अस सपोज प्रीफर्ड कस्टमर ने 15,000 की परचेस की, तो 10% कितना हो गया दोस्तों इसका, 1500 रुपीस ये आपकी इनकम बन जाती है। आई होप यू क्लियर अबाउट द प्रीफर्ड कस्टमर से आप किस तरह से अर्न करते हैं। तो इसमें और एक आपको एडवांटेज मिल जाता है, लेट अस सपोज कि आपने 15,000 का परचेस किया, तो यहाँ पर हर परचेसिंग में ना हमारे यहाँ पर एक सेल्स वॉल्यूम पॉइंट भी जनरेट होते हैं। तो प्रीफर्ड कस्टमर जो भी अमाउंट परचेस करता है उसमें भी जो सेल्स वॉल्यूम पॉइंट जो जनरेट होता है, उसका 70% का भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल जाती है अपार्ट फ्रॉम दिस अर्निंग। 10% की आप अर्निंग भी ले रहे हो, 70% SBP भी आ जाती है। कैसे आती है मैं बता दे रहा हूँ। लेट अस सपोज अगर एक जैसे एग्जांपल के तौर पे ही बात करूँ, 15,000 का यहाँ पर परचेस खरीदारी हुआ है, तो 15,000 के खरीदारी पे लगभग आपका, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 90 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट जनरेट हो गए। तो 90 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट के 70% कितने हो गए, 63 SBP, यानी कि आप ये बिजनेस वॉल्यूम भी जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम ए प्रीफर कस्टमर 10% बेनिफिट के बावजूद। तो ये तो रह गया प्रीफर्ड कस्टमर से किस तरह से अर्न कर रहे हैं। दूसरा आपका एक अर्निंग आ जाता है एसोसिएट का, वो हो जाता है एफिलेट से। अब एफिलेट पीपल से कैसे अर्न करते हैं, आप अगर एफिलेट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एफिलेट कैसे अर्न कर सकता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया हूं। लेकिन एज एसोसिएट आप जब एफिलेट को लेकर आते हैं, तो इनकी अर्निंग से आपको 20% स्पॉट बेनिफिट्स आ जाती है। लेट अस सपोज है कि एफिलेट को आपने इंट्रोड्यूस किया, उसने पूरा मेहनत करके बिजनेस करके उन्होंने लगभग 20,000 रुपये अर्न किए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। तो इस 20,000 के 20% कितना हो गया दोस्तों, 4,000 यू कैन अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एफिलेट जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट एसोसिएट, अगर दूसरे एसोसिएट को लेकर आते हैं, यानी कि नेटवर्क बिल्ड करने वाले जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करना चाहते हैं, उन पीपल्स को अगर वो असाइन करते हैं अंडर, अपने अंडर अगर वो असाइन करते हैं, तो इनसे क्या क्या बेनिफिट मिलेगी, इनसे उनको एक इनकम आ जाएगी ग्रुप सेल्स वॉल्यूम का 20% आपको बेनिफिट आ जाएगी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्लस आपको लीडरशिप बोनस आएंगे, तो 2% कंपनी टर्नओवर की होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एलिट बोनस भी आएंगे, उसको छोड़कर दोस्तों आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह एंड रिवॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन वगैरह भी रहते हैं। तो आई होप आप प्रीफर्ड कस्टमर समझ चुके होंगे, एफिलेट समझ चुके होंगे। नाउ आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ग्रुप सेल्स वॉल्यूम पे 20% लीडरशिप बोनस, एलिट बोनस, ये सब मैंने तो लिख तो दिया, बट
एसोसिएट इस सब का बेनिफिट कैसे ले सकता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं यहां पर कहूं तो आपको जब आप किसी एसोसिएट को इंट्रोड्यूस करते हो तो हमारे यहां पर एक जेनियोलॉजी ट्री होता है, उस ट्री के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट करनी पड़ती है अदर एसोसिएट को। तो हम लोग यहां पर दोस्तों प्रमोट कर रहे हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट को, दोबारा से लिख देता हूं, हम लोग बाइनरी मॉड्यूल्स पे काम करते हैं। तो बाइनरी मॉड्यूल्स पे आपको पता होगा कि आप दो फ्रंट से ज्यादा फ्रंट ओपन नहीं कर सकते, तीसरा फ्रंट यू कैन नॉट ओपन इन द बाइनरी स्ट्रक्चर। तो हमारे यहां पर क्या होता है दोस्तों, आप जब भी आईडी लगाते हो तो आप आइदर लेफ्ट साइड में अपने एसोसिएट को प्लेस करोगे या फिर राइट साइड में अपने एसोसिएट को प्लेस करोगे। तो एसोसिएट प्लेस आपके इस अकॉर्डिंगली होंगे, आइदर ऑन योर लेफ्ट ऑन योर राइट। तो यहां पर दोस्तों जैसे ही आप अपना आईडी प्लेस करते हैं ना, आपको तीन बिजनेस सेंटर मिल जाते हैं। बिजनेस सेंटर आपको नाम सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, हमें भी बिगनिंग में होती थी। बिजनेस सेंटर की अगर मैं बात करूं, ये वही सेंटर है जिसे आप अर्न करने वाले हैं। आपको तीन बिजनेस सेंटर टुगेदरली मिल जाते हैं, काइंड ऑफ ट्राइपॉड भी आप इसको कह सकते हैं। आपके टॉप में रहता है बिजनेस सेंटर वन, सेकंड में रहता है, लेफ्ट में रहता है आपका बिजनेस सेंटर टू, एंड ऑन योर राइट में के स्ट्रक्चर में रहता है आपका बिजनेस सेंटर थ्री। तो ये तीनों सेंटर को जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, एसोसिएट बनने के लिए आपको 35 SBP की परचेस करनी पड़ती है। सो जैसे ही आप 35 SBP की परचेस कर लेते हैं बिजनेस सेंटर वन पे, कि ऑटोमेटिकली बिजनेस सेंटर टू भी एक्टिव हो जाता है एंड थ्री भी एक्टिव हो जाते हैं। तो नाउ टॉकिंग अबाउट कि आप जब यहाँ पे पीपल्स को प्लेस करते हैं तो आपको किस तरह से यहाँ पर बेनिफिट होते हैं। सो द फर्स्ट इनकम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप सेल्स वॉल्यूम। क्योंकि 20% डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके स्मॉलर साइट पर। जैसे कि मैंने दोस्तों बिगनिंग में कहा था, जब आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं यहां पर, तो हर परचेसिंग में एक सेल्स वॉल्यूम पॉइंट होता है। तो एक ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की एलिजिबिलिटी क्या है, यहां पर मिनिमम 35 SBP के मैचिंग पे ही आपको अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो लेट अस सपोज, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपका दो साइड टीम में, एक लेफ्ट है एंड एक अदर साइड आपका राइट है। तो जब भी आपका बिजनेस दोनों साइड पे क्रिएट होता है, आपके स्मॉलर साइड से 20% आते हैं। ये जो 20% मैंने कहा, आपके स्मॉलर साइड पे आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप यहां पर 200 SBP का बिजनेस करते हैं लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे 200 SBP का बिजनेस करते हैं, तो 200 का 20% कितना हो गया दोस्तों, ग्रुप सेल्स वॉल्यूम का 20% कितना हो गया आपको, 200 का लगभग 40 हो गए। तो ये जो 40 जो आपका 20% का वैल्यू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। मैंने एग्जांपल 200 पे दिया हूं, मिनिमम 35 पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। कोई भी SBP अमाउंट का SBP हो, आपका 20% जो कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। तो ये कमीशन वॉल्यूम पॉइंट के बेस्ड के हिसाब से आपको अर्निंग आ जाती है। तो इसको दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए डॉलर पे, क्योंकि एक कमीशन वॉल्यूम पॉइंट विल बी इक्विवेलेंट टू द डॉलर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 3200 की आपकी अर्निंग हो गई। तो आपका, दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपका ग्रुप सेल्स वॉल्यूम का जो स्मॉलर साइट होगा उसका 20% को हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। एंड उस कमीशन वॉल्यूम पॉइंट पे जितने कमीशन वॉल्यूम पॉइंट आपके अंडर में होंगे उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे डॉलर के साथ, तो आपको आपकी अर्निंग का कैलकुलेशन पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ आपको ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की अर्निंग यहाँ पर आ जाती है। तो दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स पे आपको ये क्वालिफिकेशन होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट, यहां पर दोस्तों और एक ब्यूटी ये है ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की, कि यहां पर आपकी जो पावर साइड है ना, वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड होती है आफ्टर मैचिंग ऑल्सो। तो इसका मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं दोस्तों, लेट अस सपोज आपने
150 SBP का बिजनेस किया लेफ्ट साइड पे एंड 100 SBP का बिजनेस किया राइट साइड पे। तो आपके स्मॉलर साइड आपको ग्रुप सेल्स वॉल्यूम जो है स्मॉलर साइड से मिलेगी, यानी कि 100 SBP का 20% 20 कमीशन वॉल्यूम पॉइंट के हिसाब से आपको अर्निंग आ जाएगी। उसके बाद आपका जो 50 SBP जो आपका रिमेनिंग रह जाता है 50 SBP फ्रॉम योर लेफ्ट लेग, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो ये आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है टू अनदर वीक को। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पेमेंट की मैं बात कर रहा हूं ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की, ये प्योरली वीकली कैलकुलेशन है। एक महीना में 4 बार आपको इनकम मिलेंगे। एक महीना को दोस्तों हम लोग यहां पर कहते हैं एक साइकिल, और एक साइकिल में हमारा यहां पर 4 वीक होते हैं एंड आपको 4 बार अर्निंग की बेनिफिट मिलेगी। तो आपको महीना भर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रुप सेल्स वॉल्यूम। और यहाँ पर दोस्तों एक ब्यूटी की बात करूँ, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सीलिंग कितनी होगी, मैक्सिमम मैचिंग आप एक सेंटर से कितना ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कोई भी बिजनेस सेंटर, जैसे कि आपको बिगिनिंग में 3 बिजनेस सेंटर मिलते हैं, अब कोई भी बिजनेस सेंटर को 3000 SBP एंड 3000 SBP से मैक्स आउट कर सकते हैं। और मैक्स आउट करने पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अनदर बिजनेस सेंटर, 1 बिजनेस सेंटर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर आपको शुरू में जैसे कि 1, 2, 3 बिजनेस सेंटर मिले हैं, तो इस बिजनेस सेंटर का नाम होगा बिजनेस सेंटर 4। सो दोस्तों कोई भी बिजनेस सेंटर को आप 2 टाइम मैक्स आउट करके न्यू बिजनेस सेंटर की एलिजिबिलिटी पा सकते हैं। और इस बिजनेस सेंटर को कहां पर प्लेस करना है, दैट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इस बिजनेस सेंटर को प्लेस कर सकते हो। देखो दोस्तों जितने बिजनेस सेंटर होंगे आप उतना ज्यादा यहां पर अर्निंग कर पाएंगे। तो आई होप आपको ग्रुप सेल्स वॉल्यूम रिलेटेड जो है क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस दोस्तों क्या होता है, तो सारे चीज दोस्तों हम लोग एसोसिएट इनकम में बात कर रहे हैं, जो थर्ड वाली पैरामीटर्स थी एंट्री की उसकी। लीडरशिप बोनस दोस्तों आपको 2% कंपनी टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूट होती है। CTO स्टैंड फॉर कंपनी टर्नओवर, 2% आपको कंपनी टर्नओवर से मिलती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी है आपके डायरेक्टर प्लस आपके जितने बिजनेस सेंटर मैक्स आउट हो रहे होंगे। आपके जितने भी बिजनेस सेंटर, अगर आपको शुरू में 3 बिजनेस सेंटर मिल रहे हैं, तीनों मैक्स आउट हो रहे हैं, तो आपको 3 शेयर मिलेंगे। आपके 1 सेंटर मैक्स आउट हो रहा है तो आपको 1 शेयर मिलेंगे, 2 हो रहे हैं तो 2 शेयर मिलेंगे। आपके पास बिजनेस सेंटर 4, 5, 6 जितने भी बिजनेस सेंटर है, जितने बिजनेस सेंटर यहाँ पर मैक्स आउट होंगे आपको उतने शेयर यहाँ पर मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगी, कंपनी का पूरा इंडिया का वीकली बिजनेस जितना हुआ होगा उससे 2% को सेपरेट किया जाएगा और जितने शेयर होल्डर होंगे उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ आप लीडरशिप बोनस की बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वे टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं एलीट बोनस। अगर एलीट बोनस की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो इंडिया के जो टॉप 20 अर्नर होंगे उनको ये एलीट बोनस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एंड टॉप 20 अर्नर्स में आप भी हो सकते हो दोस्तों, देयर इज नो मैंडेटरी थिंग्स कि आपकी रैंक क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी अर्निंग, यानी कि बेस्ड ऑन CBP, अगर आपकी अर्निंग सबसे ज़्यादा है या इंडिया के टॉप 20 अर्नर में आप आते हो, तो आप एलीट बोनस पे भी अपना शेयरिंग यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये अर्निंग जो है आपको क्वार्टरली मिलने वाली है। सो क्वार्टरली आपको अगर बात करूं तो साल में आपको ये 4 बार आप इस एलीट बोनस का बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप अपने आप को टॉप 20 अर्नर में इंडिया में एनरोल कर दोगे या फिर अपना पोजीशन को जब आप वहां पर फिक्स कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ आवर एसोसिएट विल अर्न हियर। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें बता दे रहा हूं। अगर एक एसोसिएट, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, प्रीफर्ड कस्टमर जब वो लेकर आते हैं तो उनसे 10% की अर्निंग
प्लस 70% बिजनेस वॉल्यूम उनसे उनके बेनिफिट लेते हैं। एफिलेट जब वो लेकर आते हैं तो एफिलेट से वो 20% अर्निंग फ्रॉम द एफिलेट की अर्निंग से प्लस इस एफिलेट के नेटवर्क में जितने बिजनेस हुए होंगे उस जो सेल्स वॉल्यूम पॉइंट होंगे उसके 30 SBP आपके बिजनेस स्ट्रक्चर पे भी कैलकुलेट होंगे ना। और एफिलेट के एसोसिएट कैन अर्न फ्रॉम अदर एसोसिएट, जो कि आप नेटवर्क बिल्ड करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आवर बिजनेस प्लान विल लुक लाइक फॉर द इंडियन मार्केट। अगर आपको डाउट्स है इन बिजनेस प्लान रिलेटेड तो फील फ्री टू कम्युनिकेट विथ अस, कॉल अस, टेक्स्ट अस, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ताकि आपको बिजनेस प्लान रिलेटेड और भी क्लैरिटी मिल जाए। दिस इज हाउ आवर बिजनेस रैंक विल लुक लाइक। इस तरह से आप सेरर से स्टार्ट करके आप अपनी जर्नी को पिन यानी कि 11-star डायमंड डायरेक्टर तक जा सकते हैं। और हमारा जो रैंक है ये प्योरली ऑन CBP बेस्ड है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला रैंक जो है हमारा सेरर की, तो इस रैंक की बात करूं तो आप 50 कमीशन वॉल्यूम पॉइंट अगर आप एक पर्टिकुलर वीक में अगर आप ऑन करते हैं तो आप इस रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। उसी तरह से अगर हमारा फाइनल रैंक की बात करूं 11-star डायमंड डायरेक्टर की, तो आपको 15,000 CVP जनरेट करने पड़ेंगे 4 कंसेक्यूटिव वीक पे। सो इस तरह से हमारा बिजनेस प्लान इंडियन मार्केट के लिए अपीयर होने वाली है। दोबारा कहूँगा इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कम्युनिकेट विथ अस एनी पॉइंट ऑफ टाइम। टीम लार्सन ग्लोबल आपके मदद के लिए हमेशा अवेलेबल। एंड इफ़ यू वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप फील फ्री टू कम्युनिकेट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बार बार मैं ये चीज़ इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, वी आर हियर टू एट योर सर्विस। हम लोग आपके सर्विस के लिए ही हैं। इस वीडियो बनाने का भी पीछे रीज़न ये था कि आप सब कोई यूसाना का प्लान जो है ना बढ़िया से समझ सको। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।